उठता, वो गोली लेके फायर किया और सारा सामान सीमेंट के बोरी में भर लिया और बंदूक ले जाके उधर कैश काउंटर पर जाके तोड़ दिया। यही तो सवाल था। सारा गहना स्टाफ को भी सबको मारा, मैनेजर साहब थे उनको भी मारा। कितने लोग थे? वो लोग छः आदमी थे, छः आदमी पूरा मास्क लगाए थे, गमछी बांधे थे, उसके बाद में फिर वो चश्मा लगाए थे, टोपी लगाए थे, पहचान में नहीं आ रहा, सिर्फ आँख आँख नज़र आ रहा था उनका। कितने देर पहले का? 2:15। क्या नाम है? अमरनाथ प्रसाद। ये हुआ सरकार। आप यहीं पर खड़े थे? हाँ, यहीं पर खड़े थे, बंदूक छीन लिया। अच्छा। छीन कर लूटने लगा। अच्छा। हाँ, गनमैन ड्यूटी कर रहा हूँ तो ऑलरेडी लोड था हमारा। हाँ। उसी बंदूक से 2 राउंड फायर कर दिया उस सीटा पर। अच्छा। उसके बाद सारा सामान लूट लिया और सभी स्टाफ को मारने पीटने लगा। हमको जबरदस्ती जाके कोने में बैठा दिया। उस समय कितने स्टाफ थे आप लोग अंदर में? हम लोग करीब 7-8 थे। 7-8? हाँ, लंच का टाइम था सर, इसीलिए 7-8 आदमी थे और 2-4 आदमी खाने गए। 11-12 आदमी स्टाफ है। अच्छा, फायरिंग 2 फायरिंग किया था ना? हाँ सर, 2 आपके जो आपके मतलब था वो 2 फायरिंग। जी जी। अंदर ही आके ना किया था? अंदर ही किया है सर, सामने प्रत्यक्ष। शीशा फूटा हुआ है? शीशा फूटा हुआ, गोली से फोड़ा है। ये PN ज्वेलर्स जो काशी बाजार में भगवान बाजार थाना अंतर्गत आता है, इसमें लगभग 2:15 के आसपास बाइक सवार लुटेरे आए थे और उन लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। और इस दौरान जो 100 केस में लगे होते हैं जो गहने, उनको उठाकर दूर ले गए हैं। और इस घटनाक्रम को करने के बाद पुनः वो लोग तीनों बाइक पर चढ़ करके निकल गए हैं। बाकी चीज़ें हम लोग डिटेल्स इसका ले रहे हैं। अभी लूट की ये कितनी है, अमाउंट कितना है, ये अभी असर्टेन नहीं हुआ है, ये मिलान कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और जो लुटेरे हैं उनके बारे में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिए विशेष टीम गठित कर रहे हैं अभी तुरंत ही, और हम लोग इस पर काम शुरू कर दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। कितनी संख्या में अपराधी थे और क्या पहना था उन लोगों ने अपने चेहरे पर? देखिए, बहुत कुछ डिस्क्लोज करने का बहुत फ़ायदा नहीं है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से भी कहेंगे कि जो भी अगर फुटेज या कहीं से कुछ मिलता है तो हमें शेयर करें, रादर देन पब्लिक डोमेन में देने के बजाय, क्योंकि उससे अपराधी भाग जाते हैं और फिर पकड़ने में हमें दिक्कत होती है। CCTV में सर कुछ अपराधी दिख रहे हैं, किस तरह का उनका हुलिया है, क्या उसमें दिख रहा है कुछ? उस सब चीज़ को हम लोग देख रहे हैं और जो भी CCTV फुटेज इस पूरे शहर में लगा हुआ है, आने जाने वाले मार्ग में लगे हुए हैं, उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। और टेक्निकल जो भी हम लोगों को सपोर्ट है उसका भी यूज कर रहे हैं। हम लोग एक पूरी संगठित टीम इसके लिए बना करके इस पर लगातार काम प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही इस पर हम लोग जो है आगे। 2 करोड़ लूट की बात कही जा रही है सर, जैसा लूट की अभी जो अमाउंट, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि अमाउंट अभी क्लियर नहीं है, ये मिलान कर लेंगे। नागेंद्र जी हैं जिनका ये दुकान है, ये साथ में ही आपके हैं, तो पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट की है। हम लोग इसका जो भी चीज़ है हम लोग बरामदगी भी करेंगे इसमें और डिटेक्शन के पश्चात, और सभी लुटेरे पकड़े भी जाएंगे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे।